नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है, जो कि अब वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैच्यू है। इसकी हाइट के बारे में बात करें तो ये 182 मीटर ऊंचा है और फीट के अंदर बात करें तो 597 फीट है। यह स्टैच्यू अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, जो कि जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सरदार सरोवर डैम पे बनाया गया है, जो कि गुजरात के नर्मदा ज़िले के अंदर स्थित है। ये अब तक की सबसे हाईएस्ट स्टैचू है। और लागत के बारे में बात करें तो इसकी लागत है 2,989 करोड़। अगर एग्ज़ाम में ये नहीं आके 3,000 करोड़ आता है तो अपने को ये करना है, ठीक है। इसके मूर्तिकार के बारे में बात करें तो इसके मूर्तिकार हैं पद्म भूषण से सम्मानित राम वी सुथार, जो कि 93 साल के हैं। और इसको बनाने की घोषणा सन 2010 के अंदर तत्कालीन सीएम, गुजरात के जो सीएम थे श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसको बनाने में कुल समय लगा अपना 33 महीने, ठीक है। इसको शुरुआत हुई 19 दिसंबर 2015 से और इसका लोकार्पण किया 31 अक्टूबर 2018। 31 अक्टूबर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इसी दिन इसका लोकार्पण किया गया। अब इस स्टैचू से पहले वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैचू जो था वो सेकंड नंबर पे आ गया, और वो स्टैचू है अपना स्प्रिंग टेंपल बुद्धा का, जो कि चाइना के अंदर है। इसकी हाइट है अपनी 153 मीटर, चाइना में है, और इसको बनाया था 2008 के अंदर। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से जस्ट डबल है, लगभग दूना है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है अपनी 93 मीटर और इसकी हाइट है अपने 182 मीटर, तो लगभग इससे दूना हो गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया है मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो ने, L&T द्वारा ये बनाया गया है। और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो हवा की स्पीड है अगर 180 किलोमीटर पर आर तक की आती है तो इस स्टैचू को कोई नुकसान नहीं होगा और यह उसको झेलने में सक्षम है। वहीं अगर अर्थक्वेक की बात करें तो 6.5 रिएक्टर स्केल तक का अगर भूकंप आता है, यदि इस लिमिट तक का अर्थक्वेक आता है तो उसको झेलने में यह स्टैचू पूरी तरह से सक्षम है। तो इसको पूरी तरह से बनाया है अपने L&T ने। अब बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है सरदार वाला, किसको सरदार का खिताब कब मिला और किसने दिया। तो इसके बारे में बताते हैं कि सरदार का खिताब 1928 में बारडोली के किसानों का सत्याग्रह था, तो इसमें उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, तो वहाँ पर सफलतापूर्वक मजबूती से प्रतिनिधित्व करने के कारण इनको सरदार की उपाधि मिली थी। तो ये हुआ अपना टॉपिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।